शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आप सबका खबर 7C न्यूज चैनल से। मैं हूं अमीषा पटेल। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। आपको बताते चले, विकासखंड फतेहपुर जिला बाराबंकी का मामला सामने आया है, जहां एक गरीब लाभार्थी को आवास न मिलने से वो दर दर की ठोकर खा रहा है, परंतु अभी तक कोई अधिकारी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। गरीब लाभार्थी रुस्खाना बेगम पत्नी अजीमुद्दीन निवासी ग्राम शाहपुर तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी की है और प्रार्थी की जाँच आख्या सरकार द्वारा ब्लॉक स्तर पर फर्जी लगा दी जाती है और उसे अपात्र घोषित कर दिया जाता है, परंतु मौका देखने के अनुसार पता चला कि लाभार्थी अति गरीब और अल्पसंख्यक परिवार से है, जबकि ग्राम विकास अधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी रुस्खाना बेगम पत्नी अजीमुद्दीन ने ये भाई साहब क्या मामला है और आपको आवास मिला या नहीं मिला, इस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, क्या मामला साहब? ये है कि हमने कई बार अप्लीकेशन भी दिए, SDM साहब को भी दिए और DM साहब को भी दिए और तहसील दिवस में भी दिए हैं, BDO साहब को भी दिए हैं और हमने CM हेल्पलाइन से भी शिकायत दर्ज कराई है और शिकायत दर्ज कराने पे जब यहाँ पे जानकारी आई जांच के लिए, तो पहले तो 2-3 जांचें ऐसे ही चली गई, हमें कुछ पता ही नहीं चला कि जांच कब आई। कब जब उसकी रिपोर्ट हमने निकाली तो उसमें लिखा हुआ है कि अजीमुद्दीन का पक्का मकान बना हुआ है दुमझिला और ये जो है इंटर कॉलेज चला रहे हैं डफरपुर चौराहे के ऊपर। तो हमने जब निकाला तो मुझे बड़ा झटका सा महसूस हुआ, ये जांच घर आई भी नहीं है और ये कैसे मतलब लिख करके भेज दिया। तो क्या आपके मकान की जांच जो है ब्लॉक से फर्जी जांच रिपोर्ट लगा के भेज दी जाती है क्या? हाँ, हमारी जो जांचें हैं वो ब्लॉक से फर्जी लगा करके भेज दी जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर जांच आए तो हमारे गांव वाले और हमारे महल्ले वाले जो हैं वो तो कम से कम जानें और वो देखें स्थिति क्या है। जब हमने बड़ी कोशिश की तो जो है अब की जाँच BDO साहब ने करवाई है, जो कि आए थे तो यहाँ ये जो आपको दिख रहा है तिरपाल तना हुआ, तो इसका फोटो निकाल के ले गए हैं, 3 फोटो ले गए हैं। ठीक, और फिर किस कारण दिया आप पंचायत मित्र को 4,000? उसने मांगा था कि हम आपको आवाज देंगे और फिर हमको 10,000 बाद में देना और 10,000 पहले दिए, तुम्हारे पास नहीं था तो हम लोग ने खुद 4,000 पहले दे दिया था और देने वाले यहीं पर हमारे हम इनके भाई हैं छोटे वाले, वो खुद दे के आए हैं। 15,000 रुपये की आपसे मांग हुई आवाज दिलाने के नाम पर? जी। आप कितना दे चुके हैं अभी तक? हम इनको 4,000 दे चुके हैं, अभी 3 साल हो गए हैं। अब इन्होंने रोज कहलाते थे कि पैसा भेजो पैसा, मेरे पास पैसा नहीं है तो पैसा कहाँ से दे दें। आपका क्या नाम है?